इसके लिए हमें कुछ ज्यादा चीज नहीं चाहिए। ये हमारे चार उबले हुए आलू हैं और ये हमारी जो मक्का की चिप्स आती है ये वो वाली चिप्स है। तो हम एक कद्दूकस लेंगे और कद्दूकस से हम ये आलू ग्रेट करेंगे। आलूओं को हमने ग्रेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 से 3 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे और इसमें आधा चम्मच हम चिल्ली फ्लेक्स मिलाएंगे और इसमें आधा चम्मच के करीब हम ओरिगेनो मिलाएंगे और चौथाई चम्मच हम इसमें काली मिर्च पाउडर मिलाएंगे और चौथाई चम्मच ही हम इसमें नमक मिलाएंगे। नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग मिलाएं और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारे आलू और कॉर्नफ्लोर मिलके एकदम रेडी है और अच्छा हमारा चिकना सा आटे की तरह लग चुका है। ये देखिए एकदम सॉफ्ट ये हमारा डो लग के रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसको तो एक साइड में रख देंगे। जो हमने कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं इनको हाथों से इस तरीके से क्रश कर देंगे, इसके बारीक बारीक टुकड़े कर देंगे हम एकदम हाथों से। अब इस चूरे को हम साइड में रख देते हैं। अब हम कॉर्नफ्लेक्स के बाद 1 से 2 चम्मच मैदा के लेंगे। मैदा लाने के बाद अब हम इसमें 1 पिंच के करीब नमक डालेंगे। अब हम इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे घोल में लम्स ना हो, इसलिए हमें पहले थोड़ा पानी डालना है। फिर उसके बाद हम और पानी डाल देते हैं और इसको वापस से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए हमारा घोल बनके एकदम रेडी है। इसमें गांठें बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरीके का आपको घोल तैयार करना है मैदे से। अब हम क्या करेंगे, जो आलू का हमने आटा लगाया है उस डो से हम क्रिस्पी रोल बनाएंगे। तो अपने हाथों में हमने घी लगा लिया है और इसको हम अपना शेप देंगे, जो आप देना चाहते हैं वही। अब ये देखिए हमारे सभी बनके रेडी हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमने मैदा ली है, आगे की क्लिप का मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी इसलिए सॉरी। आपको ये करना है कि हम एक मैदे का जो घोल बनाया है उसमें सारे सिलेंडर डिप करेंगे और इसको हम कॉर्नफ्लेक्स में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे और सभी को एक प्लेट में डाल देंगे। हम कैमरा ऑन करना इसलिए भूल गए थे क्योंकि हमारे घर में बंदर घुस गए थे। इसी तरीके से हम सारे सिलेंडर को मैदे के घोल में डिप करेंगे, फिर हम इसे कॉर्नफ्लेक्स में अच्छी तरह से कोट करेंगे और सभी को प्लेट में रख देंगे। अब हम ये फ्राई करेंगे। तो हमें मीडियम तेल गरम करना है इसके लिए और धीरे धीरे सभी फ्राइंग्स को इसमें डाल देना है। हमें जल्दी नहीं करनी है, बिल्कुल धीरे धीरे और करारा होने तक मीडियम गैस पे इसे हमें क्रिस्पी बनाना है। ये आपको ध्यान रखना है, नॉर्मल टेम्परेचर पर ही तेल होना चाहिए आपका, तभी ये क्रिस्पी बनेंगे। धीरे धीरे हम इन्हें सिकने देते हैं। जब तक हमारे ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते हम इन्हें बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमने गैस एकदम मीडियम करी हुई है। करीबन 5 से 7 मिनट में ये नीचे से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो हम इन्हें धीरे धीरे इस तरीके से पलट देंगे तो दूसरी साइड से भी ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। धीरे धीरे हमें इन्हें पलटना है। ये देखिए एक तरफ से ब्राउन हो चुके हैं, हमें दोनों तरफ से इसको ब्राउन करना है। अब ये देखिए दोनों तरफ से एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। देखना इसकी आवाज एकदम करारी होगी प्लेट में डलने से, तो आप आवाज से ही जान गए होंगे कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। इसी तरीके से हम सभी को तल लेते हैं। ये हमारे इवनिंग स्नैक्स बनके रेडी हैं। तो आप अपने बच्चों को जरूर खिलाइए क्योंकि ये नई रेसिपी है, ये किसी ने नहीं बनाई हुई है। तो ये एकदम देखिए आपको आवाज भी आ रही होगी, एकदम क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए हम आपको तोड़ के दिखाएंगे। ये देखिए आवाज आ रही होगी आपको, एकदम क्रंची, बाहर से एकदम क्रंची और अंदर से सॉफ्ट।